question everything. One. Question everything. Hari, mana? Question everything mana? Ruby, sabse prashn utha hai. तो इस पे हम अलग अलग चीजों में बात करेंगे. सबसे पहले रिलीजन पे बात करेंगे. तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि मैं सही हूँ गलत हूँ. बस आपको ये बोल रहा कि कुछ कुछ चीजें बताऊंगा, आपको सही लगता है ठीक है, गलत लगता है, बस आप सोचो इन चीजों पर. ठीक है, क्वेश्चन करना ज्यादा जरूरी है. बस किसी चीज को ऐसे ही बिना पूछे नहीं मानना है ना. ठीक, काहे की लेकिन क्यों करना चाहिए क्वेश्चन, क्यों करना चाहिए काहे की? बिना क्वेश्चन किए नहीं समझेगा. क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है? हाँ, लेकिन बहुत और लोग है, डार्विन भी सोच रहा था, न्यूटन भी सोच रहा था, हम लोग उसकी तरह क्यों नहीं सोच रहे? अलग आप जो सोचते हैं वो उस टाइप का, उस टाइप सोचने का स्टाइल आपका क्यों है सर? कल्चर ऐसा है. हाँ, और हाँ, फैमिली, वेल्थ, सब कुछ, एरिया, कल्चर, इन सब चीजों से आपका थिंकिंग बनता है ना, एक तरह का थिंकिंग. जैसे उड़ीसा में एक बहुत कॉमन चीज मैंने देखा है, कहीं पे भी है, दुकान में भी घुसने से पहले चप्पल उतारता है. क्यों उतारता है? सफाई है जो भी है ना. तो कोई ये आपका थिंकिंग अब ये है ना, उड़ीसा बाहर नहीं करते रहते, नहीं, मंदिर के बाहर उतारता है, लेकिन हर जगह नहीं उतारता है, क्लास के बाहर या फिर दुकान के बाहर नहीं उतारता है. क्लास में भी उतरता शामिल भी होटल भी. हाँ, तो ये सब अपना जगह जगह का है ना. हिमाचल में अलग तरह का सोचता है लोग. ठीक, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, ये सब चीजों से आपका थिंकिंग बनता है, जिस तरह से आप सोचते हैं वो सब. और ये कहाँ से, राइट, जन्म से शुरू हो जाता है ना. जब से पैदा होता है मम्मी पापा कुछ कुछ समझाता है, कुछ कुछ बताता है, वहां से धीरे धीरे फिर आप स्कूल जाते हैं और लोगों से मिलता है, तो एक तरह का आपको सोचने का शक्ति बन जाता है, उसी तरह से आप सोचते हैं ना. बाद में बुक्स वुक्स पढ़ता है तो और नई चीजें आती है. तो क्या होता है, जब तक आप अभी जो बड़ा हो रहा है, अभी जब बाय द टाइम आप यानी 20 इयर्स का हो जाएगा मान लीजिए, तो क्या होगा, ज्यादातर जो आपका जो पसंद नापसंद सोचने का तरीका वो सब आपका नहीं होगा एक तरह से. बहुत कुछ उसमें बाहरी चीजों का रोल है, जैसे फैमिली हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, कल्चर हो गया, जो आप बोल रहे एरिया हो गया, वो सबका रोल है बहुत बड़ा. तो उसमें क्या होता है कि बहुत आप जरूरी नहीं है ना कि हमेशा कल्चर सही हो. जैसे बार बार हम सती का एग्जाम्पल लेते हैं, एक टाइम पे वो वहां का थिंकिंग के लिए सती बिल्कुल सही था कि हस्बैंड मर गया है तो वाइफ को क्या करना चाहिए, हाँ, कूद के जल जाना चाहिए. उस समय के थिंकिंग यही था कि सही है. उस थिंकिंग को सही करने का क्या हुआ, कुछ लोग थे जिन्होंने उसमें क्या किया, उस चीज में क्या किया, क्वेश्चन किया उस चीज को, तभी भी वो चीज वहां से ठीक हुआ. इसीलिए क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि समाज हमेशा सही नहीं होता है. अभी भी जैसे बहुत चीजें हैं, जैसे क्या है, कुछ कुछ मुस्लिम जो मस्जिद में बोलता है कि हाँ जो भी मुस्लिम नहीं है उसको मार देना चाहिए, वैसे हिंदू लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम को मार देना चाहिए. थिंकिंग वो है, लेकिन वो कैसे सही हो सकता है अगर कुछ लोग उस पर क्वेश्चन करेगा, है ना. तो इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ताकि हम धीरे धीरे यानी बस जो बाहर क्या है, दो चीजें होता है, एक इंडिविजुअल यानी व्यक्ति है ना, छोटे व्यक्ति, और सोसाइटी, समाज. समाज किससे बनता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स है ना, तो इंडिविजुअल भी, तो समाज और इंडिविजुअल का दोनों रोल है. समाज भी इंडिविजुअल को एक तरह से
गाइड कर सकता है, वैसे इंडिविजुअल भी बदल सकता है समाज में, है ना। अगर एक इंडिविजुअल सब क्वेश्चन करेगा तो चीजें बदल सकता है ना, व्यक्ति छोटे व्यक्ति ना, कोई भी व्यक्ति, तुम मैं इंडिविजुअल वन, है ना, स्वतंत्र तो इंडिपेंडेंस, व्यक्ति व्यक्ति इंडिविजुअल यानी छोटे मानव मनुष्य कोई भी, मैं हूं तुम है कोई भी टीचर, इंडिविजुअल थी। तो इसीलिए ताकि हम जो समाज में गलत है उन चीजों को ना एक्सेप्ट करके अपना भी एक सच सही चीजें ढूंढे, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन है मेरे, ठीक। तो हाँ, जैसे मैं तो वही एक जो बात है, एक चीज होता है कि वी मस्ट अनलर्न टू लर्न, माने वी मस्ट अनलर्न टू लर्न, हाँ, कुछ असली सीखने के लिए बहुत चीजें हमको भूलना पड़ेगा, जैसे जो चीजें आपको बचपन से बताया जा रही हो सकते हैं वो चीजें गलत है, तो उन चीजों को भूल के आप नया चीजें सीख रहे, तो कुछ चीजें भूलना पड़ता है नया चीजें सीखने के लिए। तो इस पे हम कई बात करेंगे, इस कंट्री के बारे में बात करेंगे, सब करेंगे। आज इस क्लास में हम रिलीजन का बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिलीजन एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे जीवन का, है ना। तो आज भी इस क्लास में जो भी मैं कुछ कुछ बोलूं शायद आपको गलत लगे, तो उस पर आप भी वही जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल हमेशा सही नहीं बोल रहा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी आप सवाल उठाओ, ठीक है, जो आपको सही लगता है वो ही मानना है, जो बस मैं बोल रहा हूँ या कोई और टीचर बोल रहा है या कोई पंडित बोल रहा है या मम्मी पापा बोल रहे हैं, बस इसलिए नहीं मानना है, ठीक है, जो आपको सही लगता है वो करना है, सवाल उठा के, ठीक। तो रिलीजन कहां से आता है आपका ज्यादातर, शुरुआत क्या है, कहां से आता है रिलीजन, हाँ ठीक है, उससे भी पहले यानी रिलीजन का शुरुआत, जो आप रिलीजन बोलते हैं, जो रूल्स है जिसने लिखा, इस तरह से पूजा करना है, इस भगवान का पूजा, वो सब कहां से आ रहा है, हाँ परंपरा, और जो वेद है सब स्क्रिप्चर बोलते हैं, ठीक है, स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर यानी कि जो भी लिखा हुआ जो रिलीजन का जो किताब होता है, जैसे क्या है, हिंदू का वेद हो गया, क्रिश्चियनिटी का बाइबल, सुपरस्टिशन तो अंधविश्वास, वो अलग चीज है, रिलीजन का वो भी थोड़ा थोड़ा पार्ट बन जाता है, लेकिन वो अलग है, हाँ स्क्रिप्चर यानी जो भी लिखा हुआ, जो लिखा हुआ जो रिलीजन का जो बुक होता है ना, वेद ही नहीं, जैसे वेद तो हिंदू का हो गया, बाइबल क्रिश्चियन का, इस्लाम, इस्लाम का क्या किताब होता है, क्या किताब होता है, कुरान, वैसे ये क्या है, सिख का अलग होता है, गुरु ग्रंथ साहिब, तो ऐसे ऐसे इनको स्क्रिप्चर होता है जो कि रिलीजन का किताब होता है, ओरिजिनल होता है ना। तो हम ये जो भी आपका नियम ये सब आ रहा है, हम लोग वही सोच रहे हैं ना कि एकदम भगवान ने ये सब नियम दिया है तो इसलिए हमको पालन करना है, लेकिन ये नियम कहाँ से आ रहे हैं, इन किताबों से आ रहे हैं, किताबें कौन लिखता है, आदमी लिखता है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये बात समझना है कि जितना भी वेद है, बाइबल है, कुरान है, वो ऊपर से एकदम ऐसे आसमान से नहीं गिर गया है हमारे पास, हमारे जैसे आदमियों ने लिखा था, बहुत साल पहले लिखा था, कुछ 2-3 हज़ार साल पहले लिखा था, लेकिन हमारे जैसे आदमी लोग ही लिखा है, हो सकता है बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, हो सकता है ऐसे आदमी थे जिन्होंने क्या है सिद्धि पा लिया है ना, भगवान को देख लिया उस टाइप का, भगवान को फीलिंग कर लिया, उन्होंने लिखा, लेकिन एंड में लिखा पर आदमी ही लिखा था, ठीक। और आदमी क्या करता है, आदमी गलत भी हो सकता है कई बार, है ना, या फिर आदमी अपने टाइम का ही बता सकता है, आपको मैं बोलूंगा 1000 साल बाद क्या होगा तुम बता सकते हो मुझे, नहीं ना। तो हो सकता है जो ये सब लिखा था 2-3 हज़ार साल पहले के लिए बिल्कुल सही था, लेकिन अब हमारा टाइम बहुत बदल गया है ना, क्या कि इतना कुछ आ गया, स्पेस हम ढूंढ लिया है पिछले 2 साल में, तो ये याद रखो, एक तो क्या है मैन मेड, इंसान बनाया है, ठीक है, ये सब तो जो काफी सारा कहानी आप पढ़ता है स्क्रिप्चर में, वहां से हमारा धीरे धीरे रिलीजन बनाना है, तो उसमें बहुत कुछ अच्छी चीज है, बहुत कुछ सही सही चीजें बताता है कि भगवान है, ये है,
अच्छा काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत सही चीज है। लेकिन धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, क्या हो जाता है धीरे धीरे उन सब चीजों से ज्यादा रिलीजन क्या बन जाता है, कि सिंपली आप आइए और सिंपली या तो मंदिर जाना है या चर्च जाना है ऐसे हाथ जोड़ के कि हाँ मैं बहुत पाप कर लिया अब 100 रुपए डाल के मैं जा रहा हूँ ठीक हो गया सब। सोच रहे हैं जैसे कि दुकान में जा रहे हो आप कि इतना कुछ पाप किया है मैंने अभी अब 100 रुपए डाल दिया अब सब ठीक हो गया वापस चर्च से, है ना, इस टाइप का वो हो गया है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है नहीं। हाँ तो यही सब देखना है भी। और धीरे धीरे वायलेंस जो आपने बोला, मैं हिंदू हूँ ये मुस्लिम है, मैं चर्च मैं क्रिश्चियन हूँ ये मुस्लिम है, हम लोग लड़ेंगे, इस टाइप का चीजें हो गया है। तो यही सब हम देख रहे हैं कि रिलीजन धीरे धीरे शुरुआत कहाँ से हुआ था, स्क्रिप्चर से हुआ था, और अब क्या हो गया, पॉलिटिक्स हो गया है, वायलेंस हो गया, बहुत कुछ हो गया है। क्योंकि जो अब हम एक दूसरे को इंसान नहीं देखते रिलीजन के उससे देखते हैं ना, तो इन चीजों पर आज और बात करें। तो वही जैसे ये जो इंसान लिखा था 2-3 हजार साल पहले ये जो स्क्रिप्चर्स लिखा था, तो तब से आप बताओ क्या क्या बदल गया, पिछले 2-3 हजार से क्या क्या बदल गया हमारी दुनिया में, हमको क्या क्या नया चीज आया है, साइंस स्पेस और जीन्स जेनेटिक आप क्लोन बना सकते हैं, जैसे अगर तुम्हारा मैं कुछ सेल लेके लेबोरेटोरी में एक और स्थानांतरण बना सकता है ना, और क्या है स्पेस हमको पता है मंगल ग्रह तक चला गया है, बहुत दूर दूर चला गया है, तो हमारे इंटरनेट आ गया है, यहाँ पे बैठ के मैं अमेरिका के लोगों से बात कर सकता हूँ, उनको देख सकता हूँ वीडियो से, तो सोच रहे बहुत कुछ नया चीज आ गया है। तो इसीलिए यानी जो 2-3 हजार साल पहले जो किताबें लिखी गई है उसी को हम सब कुछ नहीं मान सकते हैं, अपने टाइम के बारे में सोचना है, वो लोगों को कुछ नहीं पता था कि 3 हजार साल पहले बाद ऐसा होगा, जैसे कि अब तुमको नहीं पता है 1000 साल बाद क्या होगा, है ना, 1000 साल बाद जो लोग आएंगे वो लोग अपना सच ढूंढेंगे अपने टाइम का, वैसे हमको अपने टाइम का कुछ समझना होगा, बस किसी पुरानी चीजों पे हमेशा नहीं रह सकते। इसमें बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं इस स्क्रिप्चर्स में, कि झूठ नहीं बोलना, ये नहीं एक दूसरे से लड़ना नहीं, एक दूसरे को हार्म नहीं करना, बहुत सही चीजें हैं, लेकिन उसमें कई पुरानी चीजें भी हो गई जो हमारे टाइम के लिए अब सही नहीं है, तो ये सब हमको समझना है, ठीक। जैसे वो लोग भी अपना काम कर दिया ना, 2-3 हजार साल पहले जो उनको ज्ञान था वो सब उन्होंने वेद बना दिया, बाइबल बना दिया, ये सब करके उन्होंने कर दिया, उन्होंने अपना काम कर दिया, तो अब हम लोगों को भी अपना काम करना है, अपने समय का नॉलेज ज्ञान को इकट्ठा करके लिखना है, ये नहीं कि बस उन्हीं के चीज लेकर समझ है ना, लेजी हो रहे हैं हम लोग, अपना कुछ काम से ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, बस पहले जो लिखा बस इसी को पकड़ के बैठ गया, ठीक, नया कुछ वो करना है, ठीक। और बाकी जो कुछ कुछ सवाल है जैसे कि क्या है भगवान, क्या है और भगवान क्या है, पत्थर है, पता है। अच्छा आपका जन्म होने से पहले क्या था, क्या हो रहा था, सेल, अरे वो तो जन्म होने के बाद, सेल से भी पहले क्या था, या फिर छोड़ो आप हो गया मर जाएगा क्या होगा पता नहीं, हेवन हेल हो सकता है, तो ये सब सवालों का कुछ फिक्स आंसर नहीं, आप प्रूव नहीं कर सकते हो, तो इन चीजों पे ज्यादा वो नहीं टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इन चीजों का आपके पास जवाब नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, जो सबसे बड़ा क्रिश्चियनिटी का पोप है या फिर जो सबसे बड़ा पंडित है हिंदू का, वो भी आपको कुछ कुछ बोलेगा लेकिन उसका बात भी आप प्रूव नहीं कर सकते, उसको भी नहीं पता है, वो भी अपने तरफ से बता रहा है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिए, कुछ चीजें जो हमको नहीं पता लगती है और रिलीजन उन चीजों का फायदा उठाता है। रिलीजन का क्या हो गया, वही धीरे धीरे शुरुआत बहुत अच्छा था कि लोगों को जोड़ना है भगवान के साथ, वो करना है अच्छा बात भी बनाना सबको, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स हो गया है और बिजनेस भी बन गया है, तो आपको पता है शायद ये चीज। तो अब ओरिजिन का बात करते हैं, जैसे शुरुआत कैसे हुआ होगा ये सब, तो फिर से जैसे क्या बोलते हैं बार बार इंसान का जो हम बोलते हैं क्या ट्राइब से सब शुरू हुआ था ना, तो तब क्या है, तब जीसस नहीं था, शिव ब्रह्मा ये सब नहीं था, है ना, इस्लाम अल्लाह नहीं का आइडिया नहीं था, तो तब कहां से भगवान का आइडिया कैसे शुरू हुआ, किस तरह का भगवान था हमारे पास, किन चीजों का पूजा करते थे हम, जो जो चीजें हमको नेचर में दिखता था ना,
सन का पूजा करते थे, चांद का पूजा करते थे। हाँ, बारिश का पूजा किया। जो जो चीजें हमको नहीं समझ में आती थी, अभी आपको पता है कि सन क्या है। सन एक स्टार है जिसके आसपास पृथ्वी घूमता है और उस स्टार से हमको एनर्जी मिलता है। अभी आपको पता है कि बारिश क्या है, कैसे होती है, पानी वेपोरेट होता है, बादल बनता है, बादल ठंडा होता है, पानी आ जाता है ना। अब आप हम ये चीजें समझते हैं, लेकिन 2000-3000 साल पहले इंसानों को ये नहीं पता था। उनके लिए एकदम सन क्या है, एक बड़ा सा गोला था, तो उसका पूजा करने लग गया है ना। बहुत सिंपल चीज, अभी भी करता है, लेकिन अब हमको पता है ना क्या है सन। बात यह है, डिफरेंस ये, अभी भी कर रहा है वो, तो परंपरा चल रहा है, लेकिन शुरुआत में क्यों सन का पूजा किया हमने। अब आप ये सब चीजें समझता है, जैसे लाइटनिंग पता है ना, लाइटनिंग बिजली जो आता है। तो उस समय जब शुरुआत में 2000 साल पहले कोई देख रहा हो उसको, मतलब वो क्या है, भगवान गुस्सा हो गया टाइप का है ना। अभी आपको पता है क्यों होता है, बादलों में वो जो चार्ज होता है इसलिए बिजली कड़कता है ना। तो यही सब, इसीलिए रिलीजन का शुरुआत नेचर से हुआ था, ठीक है। जैसे कि इंद्र हिंदू उसमें इंद्र भगवान होता है, तो वो बिजली का होता है ना, बारिश का, बिजली का। वैसे ही पुराने ग्रीस में एक भगवान था जिसका नाम था ज्यूस। जैसे इंद्र देवताओं का राजा, वैसे ज्यूस उनका भगवानों का राजा था, और वो भी क्या था, लाइटनिंग, बिजली का भगवान। तो वही जो चीजें हमको नहीं समझ में आती थी, जो हमको लगता था ये कुछ खतरनाक है, उस चीजों को भगवान बना देता था, है ना। या फिर जिन चीजों से हमको कुछ मिलता है, पेड़ से कुछ मिल रहा है, फल मिल रहा है, तो पेड़ भगवान है। वैसे ही ना जंगल को भगवान बना, ये सब है। लेकिन ये रिलीजियस फीलिंग है क्या, यानी आप लोग मंदिर जाते हैं, मंदिर या चर्च जो भी जाते हैं, अच्छा लगता है, पूजा करते हैं जब शाम तक, अच्छा लगता है, क्या है वो फीलिंग, अच्छा है। और कुछ उसके बारे में अच्छा है के अलावा कुछ बता सकता है, क्या लगता है जब, जैसे शाम एक अच्छा से मंदिर में गया है कहीं पे, और वहां पे बैठ के ऐसे आम मस्त के बैठा है, क्या लगता है। तो हो सकता है शायद यही भगवान का फीलिंग है, जो हम लोग हर कोई, जो चाहे अगर मैं मस्जिद में जा रहा हूँ या चर्च में जा रहा हूँ, पूजा करता हूँ, शांति से बैठा हूँ, अच्छा लगता है, शायद वही रिलीजियस फीलिंग है ना। क्योंकि अब जैसे कुछ कुछ हिंदू बोलता है कि तीन भगवान बैठा है वहां पे जो सब चला रहा है, क्रिश्चियनिटी बोलता है एक भगवान है खूब दाढ़ी वाला वो ऊपर बैठा हुआ है, वैसे इस्लाम भी बोलता है एक भगवान है अल्लाह जो पूरे दुनिया में है। तो हो सकता है वो फीलिंग की वजह से, हर एक ने वो फीलिंग महसूस किया और फिर उसके बारे में सोचा। ये सब कोई वो नहीं है, स्टोरी नहीं है, मैं बस हम क्या बोलते हैं इसको, गेस कर रहे हैं, शायद ऐसे हो सकता है ना, गेस कर रहा है ये सब, इन चीजों में कोई प्रूफ नहीं है। तो ये सब जैसे कही है, ये फीलिंग जो आप बात कर रहे हैं ना, किसी से भी आप बात करो, यानी अगर रिलीजन क्या है या फिर भगवान क्या है, एंड में फीलिंग से ही आइडियाज आता है। शुरुआत में जो आपको अच्छा फीलिंग लग रहा है, वो हो सकता है किसी जंगल में जाके कोने में या पहाड़ के ऊपर बैठ के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा आपको लग रहा है कि आप और पूरा नेचर एक ही है, एकदम एक जैसा समान लग रहा है। तो शायद वहीं से उस फीलिंग से स्टार्ट होता है, और फिर वहां से धीरे धीरे फिर आप सोचने लग जाते हैं, थॉट आ जाता है, आइडिया आ जाता है, और वहां से फिर हम धीरे धीरे भगवान के बारे में एक बना लेते हैं कि भगवान ऐसा है, शायद बड़ा सा आपके ये दाढ़ी ऊंचा करके ऐसा है, या फिर शिव विष्णु ऐसा भगवान है, या जगन्नाथ है ना। ठीक, फीलिंग का जो शुरुआत है, इस फीलिंग के बात करते हैं। तो ये जो फीलिंग है, जो आपका अपना, जो आपको अच्छा लगता है, ये जो एक यूनिक जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, महसूस कर रहा है, रिलीजन के कोर में यही है ना। लोग मंदिर क्यों जाता है, शांति के लिए, तो शायद यही एक जो मेन जो चीज है, उसके बाद जो बनाया गया है वो अलग है, लेकिन ये जो मेन चीज है जो रिलीजन का, और इस पे हम ज्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीजों को यानी शब्दों में नहीं बताया जा सकता ना। जो आपको जो महसूस होता है वो आपके अंदर है, आपको पता है, जो मुझे महसूस होता है मुझे पता है, एक दूसरे को हम शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है सब।
और बल्कि शब्दों में बताना ही कई प्रॉब्लम आ जाता है जब इस फीलिंग को आप मान लो शुरुआत में जो ये फीलिंग आया जो लोग स्क्रिप्चर लिख रहे थे, उसके बाद उन लोगों ने स्क्रिप्चर लिखा, किसी ने वेद लिखा, किसी ने बाइबल लिखा, तो क्या है जो एक जो फीलिंग था उसको हर एक ने अपने अलग अलग तरीके से समझाया ना, एक ने बाइबल लिखे, एक ने वेद लिखे, एक ने कुरान लिखे, अलग ने कुछ कुछ किया, और वहीं से फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? क्योंकि डिवाइड हो गया। कुछ लोग बोलने लग गया कि नहीं बाइबल जैसा फीलिंग है गॉड ये है, कुछ लोग बोले नहीं वेद जैसा फीलिंग है गॉड ये है, तो वहीं से धीरे धीरे डिवाइड हो रहा है। क्योंकि क्या उस फीलिंग जो फीलिंग जिस चीजों को आप शब्दों में नहीं कर सकते हैं उसको आपने एक तरह से शब्दों में डालने का कोशिश किया है, और शब्दों में डालने से क्या होगा धीरे धीरे उस फीलिंग का हाँ वो प्योर नहीं रहेगा ना, अलग हो जाएगा शब्द। क्योंकि क्या है दुनिया का है बेसिकली, भगवान एक आप ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो दुनिया के बाहर है, लेकिन शब्द क्या है लैंग्वेज क्या है दुनिया का है, तो ऐसी चीज जो दुनिया के बाहर है उसको आप भाषा में डालने की कोशिश कर रहे हैं वहीं पे प्रॉब्लम आ जाता है, और वहां से डिवीजन आ जाता है कि नहीं मेरा धर्म ये है आपका धर्म ये है, और उसी पे हम लोग लड़ लेते हैं फिर। कोई बोलता है कि अब आपको पता है हिंदू में भी बहुत कुछ है, क्रिश्चियनिटी में दो है जैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है ना, हिंदू में है शिव का है और विष्णु का है, वैसे ही क्या है इस्लाम में भी है शिया सुन्नी अलग अलग, तो वही धीरे धीरे डिवाइड होते रहता है। आप देख रहे हैं पहले तो हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियनिटी, उसके बाद उसमें भी फिर और डिवीजन है, कुछ बोलता है कि नहीं मैं ये बात मानूंगा, बोलता मैं नहीं ये वाला बात मानूंगा, तो ये चलते रहता है डिवीजन चलते जाता है। वहां से एक शुरुआत एक फीलिंग से हुआ है जो अच्छा लग रहा है शांति का भगवान का फीलिंग, वहां से डिवाइड होते जाता है, कुछ लोग कैथोलिक बन गया कुछ लोग प्रोटेस्टेंट बन गया, कैसे हो रहा है? क्योंकि भाई आप इन चीजों पे एक जो चीज है जिसको आप शब्दों में नहीं डाल सकते उसको आप शब्दों में डाल के उस पर लड़ रहे हैं, क्योंकि शब्दों का हमेशा अलग अलग मीनिंग होगा, तो एक बोल रहा है कि नहीं ये मीनिंग है दूसरा बोल रहा है ये मीनिंग है, ज्यादा लड़ाई इसी पे होता है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक और ये शिव या शिया सुन्नी पे यही है कि एक बोलता है जो स्क्रिप्चर है ना एक स्क्रिप्चर का बोलता है एक ही सेंटेंस चाहे लिखा होगा, एक बोलता है कि नहीं इसका ये मतलब है, दूसरा बोलता है कि नहीं इसका ये मतलब है, और उसी के चलते अलग अलग हो गया है ना? अच्छा एक बात बताओ आपको इसमें आपको क्या लगता है रिलीजन का काम रिलीजन है क्या? ये फीलिंग छोड़ दो रिलीजन क्या है क्या रिलीजन का काम क्या है क्यों चाहिए रिलीजन? याद
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और इस रिलीजन के हिसाब से क्या है कास्ट सिस्टम है कि ब्राह्मण लोग सबसे ऊपर है शूद्र सबसे नीचे है तो हमने क्या बात किया था ये रूल कौन बनाया होगा है ना हाँ तो यही चीज आपको हर चीज में फिर से ये सोचना है कि राइट एंड रॉन्ग जो बता रहा है वो किस किसका फायदा हो रहा है इन चीजों से है ना एग्जैक्टली कोई धीरे धीरे जैसे आपको बताया फीलिंग था वहां से स्क्रिप्चर्स बन गया अब उस स्क्रिप्चर्स बन गया तो क्या हो गया धीरे धीरे उस चीज को हमने और अब सिस्टम बनाने का कोशिश कर लिया कि इस तरह से पूजा होगा इतने लोगों का पूजा होगा इतना पैसा देना पड़ेगा मंदिर यहाँ से बनाएगा ये सब करेगा तो क्या धीरे धीरे सिस्टम बन गया अब उस चीज पे देखो मंदिर बना के किसको फायदा हो रहा है या चर्च बना के किसको फायदा हो रहा है जो बनाएगा है ना जो आगे और बाकी हम लोग जैसे जाएगा डर के पैसा देगा ये सब करेगा फायदा हमेशा ये चीज देखना है और ये जो सिस्टम ऑफ रिलीजन धीरे धीरे बन गया उससे फिर वही पॉलिटिक्स ये सब आ गया है एक मिनट मैं थोड़ा कंफ्यूज रहा हूँ और नई चीजें हम जैसे भूल गए एक बार हम बात कर रहे हैं जैसे ये क्या है शिवलिंग क्या होता है क्या था हमने बात किया था इसके है ना ठीक है तो वही अब क्या है शिवलिंग ज्यादातर लोगों को नहीं पता है जाके हम लोग पूजा करते हैं उस पर पानी डालता है पैसा डाल देता है लेकिन ज्यादातर लोगों को भूल गया कि वो असल में है क्या क्या बनाना चाहता है ना हाँ शिव शक्ति यानी शिव का लिंग नहीं वो भी बहुत सिंपल हो गया बेसिकली शिव शक्ति है ना शिव और जो शक्ति जो बेसिकली हिंदुइज्म का मान है शिव और शक्ति है वो दोनों जब जुड़ता है मेल फीमेल तो पूरा सृष्टि बनता है पूरा दुनिया बनता है उसी चीज से तो बहुत सुंदर आइडिया है कि आप एक समझ रहे एक शिवलिंग के द्वारा पूरा बेसिकली कहानी बता रहे दुनिया का कि दुनिया ऐसे बना था लेकिन ये चीज हम नहीं सोचता जब मंदिर जाता है हम लोग बस वहां पे 10 रुपए डाल के आ जाता है शिवलिंग पे पानी डाल के आ जाता है ज्यादातर लोग ये भी नहीं सोचते कि वो असल में शिव का लिंग है ना ये सब चीजें हम धीरे धीरे जो ओरिजिनल जो चीज है वो भूल रहे हैं बस हमको इतना पता है कि जाके अगरबत्ती जलाना है ऐसे पूजा करके आ जाना है ना तो इन्हीं चीजों में मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन करना है कि क्यों कर रहा है आप पूजा करने जा रहे हैं क्यों कर रहे हैं पूजा है ना पैसा डाल रहे उस पैसे से क्या होगा कुछ फायदा होगा किसका फायदा होगा हाँ हो सकता है आपका भी फायदा हो लेकिन ये सोचने का बस मैं बोल सवाल उठा रही थी हाँ जैसे राजा रानी मंदिर यहाँ है तो मुझे आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगता है और अच्छा फीलिंग आता है शांत फीलिंग आता है बस वही है मंदिर क्यों बनाया हाँ मंदिर जो बनाया आप ये भी देखो मैं इसके भी कोई वो तो है नहीं प्रूफ लेकिन हो सकता है इसलिए बनाया था कि हाँ आप सब समझ रहे हैं कि एक जगह भगवान है वो पूजा के लिए उसका घर बना दिया ताकि लोग जाके वहां पे बैठ सके पूजा कर सके अब धीरे धीरे लेकिन वही हो गया ना ओरिजिनल जो आइडिया है वो जैसे ये स्कूल है हो सकता है 30 ईयर्स पहले जब ये स्कूल बनाया था तब बहुत यानी बच्चों के बारे में बहुत सोचते थे हर चीज बच्चों के बारे में होता था बच्चा टॉप है आज हर चीज कुछ भी करना है तो पहले बच्चों से पूछा जाता है अब यहाँ पे क्या होता है कोई बच्चों को तो नहीं पूछता है तो धीरे धीरे ये सब होता है धीरे जब सिस्टम बन जाता है तो जो ओरिजिनल जो उसका जो रस होता है ओरिजिनल जो शुरुआत होती है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है ठीक और अब देख ही रहे आपको अब 2-3 हजार साल बाद अब क्या हो गया तो इतना जो फाइट हुआ है वर्ल्ड वॉर या पता है ना वर्ल्ड वॉर टू एक तरह से क्यों किसकी वजह से हुआ था हिटलर एक आदमी था वो क्या किया था जर्मनी से जितना भी जूस एक रिलीजन है जू जू इज जुलाई है ना तो उन लोगों को ये मारना चाहता था खत्म कर देना चाहता था इसलिए एक तरह से वर्ल्ड वॉर हुआ ठीक और भी कई एग्जाम्पल है 1947 में हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या हुआ जब पार्टीशन हो रहा था इंडिया का इंडिया पाकिस्तान बना लाखों हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारा है ना क्योंकि क्या हुआ पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गया
और क्या है, गुजरात में 2002 में फिर से दंगा हुआ था, है ना, फिर तो कुछ नहीं लड़ा था फिर से। अभी आईसिस, आईसिस के बारे में पढ़ना है आपको, है ना, आईसिस पढ़ा है आईसिस, अरे जो अरेबियन कंट्रीज में आजकल जो मुस्लिम जो टेररिस्ट, आईसिस पढ़ो इसके बारे में, न्यूज पेपर या कहीं इंटरनेट, अब इंटरनेट आ गया है, आईसिस में एक में आता है आईसिस, ठीक है, आईसिस के बारे में पढ़ेगा, ये तो न्यूज में आता है आजकल, आप दंगा करना कितना आसान है। कल को अगर सोचा जाए किसी मंदिर में, किसी मंदिर में जा रहा है, वहां पे गाय काट के मंदिर में रख दिया, कल को पूरा इस एरिया में दंगा हो जाएगा, लोग एक दूसरे को मारने लग जाएगा, जितना भी मुस्लिम एरिया में सबको मार देगा। वैसे ही मैं मस्जिद के बाहर जाके जो गोल होता है पीक, पीक का गला करके मार रख देगा, तो मुस्लिम लोग पागल हो जाएगा, जितना भी हिंदू लोग सबके साथ लड़ने लग जाएगा, बहुत आसान हो गया ये सब। और पॉलिटिशियन को इसी चीज का फायदा उठाता है। अब मान लो मैं भी हिंदू पॉलिटिशियन हूँ, अब मैं चाहता हूँ आप लोगों का वोट चाहिए, तो मैं बोलूंगा ये जो मुस्लिम लोग है तुम्हारे एरिया में ये लोग खराब कर रहे हैं, ये कर रहा है, ये सब कर रहा है, तुम मुझे वोट दो, मैं इनको ठीक कर देगा। वहां से वो एक मुस्लिम पॉलिटिशियन होगा, वो बोलेगा नहीं ये लोग खराब कर रहे हैं, तुम मुझे वोट दो, मैं इनको ठीक कर देगा। तो वही है, ये सब आप कोई भी रिलीजन, रिलीजन आपका पर्सनल होना चाहिए, जो आपको सही लगता है आपके दिल में, जो आपको सही वो होना चाहिए, ये नहीं जो आपको कोई बाहर से बता रहा है कि मुस्लिम हमारा देश खराब कर रहे हैं, उनको मारना है। कोई भी रिलीजन एक दूसरे को मारना नहीं बताता है, ठीक है, ये सब पॉलिटिक्स की वजह से हो रहा है। किसी भी स्क्रिप्चर में ये नहीं लिखा है कि किसी और धर्म का कोई है तो उसको मारो, है ना, इतना क्लियर है हम लोग। लास्ट एक ये बात है ना, वो बिजनेस वाला है इसमें, कि रिलीजन बिजनेस बन गया, एजुकेशन भी एक ऐसे बिजनेस बन गया, पता है ना आपको, एजुकेशन यानी, हाँ ठीक, जैसे यहाँ पे भी है कि बाकी किसी किसी स्कूल में ना होता है कितना पैसा है, बहुत पैसा का गेम है। तो रिलीजन में क्या हो गया, अभी इंडिया में सबसे कुछ कुछ मंदिर इतना पैसा कमाते हैं, उनका एनुअल सैलरी थाउजेंड ऑफ करोड़ में है, और उनको ज्यादा टैक्स वैक्स भी नहीं देना पड़ता है ना, लोग आ रहे हैं हमारे जैसा खूब पैसा लेके चले जाता है, और मंदिर को टैक्स भी बहुत कम नहीं देना होता है। तो फाइनली क्या है, और इसी चीज़ों का लोग फायदा उठाता है, तो इस पे फिर से वही बात, किसका फायदा हो रहा है, बात ये है ना कि हर रिलीजन क्या बात करता है, कि इस जीवन में आप लोग गरीब रहो और दुख रहो अच्छा है, मरने के बाद आप लोग एकदम अमीर हो जाएगा, या फिर मरने के बाद आपको सब मिल जाएगा, महल मिलेगा, ये सब मिलेगा, है ना। तो बहुत आसान है, वहां पे जो पंडित है, पुजारी है, राजा है, वो खूब अपना पेट ऐसे करके बैठा हुआ है सोने के चेयर पे ये सब करके, लेकिन जो बाकी जो पब्लिक है उनको बोल रहा है कि नहीं नहीं आप गरीब रहो, आपको मरने के बाद बहुत कुछ मिलेगा, और खुद को एकदम फुल मजा लेता है ना पंडित, समझ रहे। तो ये चीज आपको, ये चीज बार बार सवाल उठाने का फायदा किसका हो रहा है, ठीक है, समझ रहे। जैसे जो भी जो आप कही, आपने जिहाद का नाम सुना, जिहाद, जिहाद, जिहादी, जो भी जो मुस्लिम टेररिस्ट है वो लोग का मानना है, जो भी वो लोग अपने धर्म के लिए लड़ रहा है तो उसको जिहाद बोलता है। तो उन लोगों को पता है क्या, जो लोग सुसाइड बॉम्बर जाते हैं, अपने अंदर में बॉम्ब मार लेगा, फिर किसी मार्केट में जाएगा और उड़ा देगा, खुद भी मरेगा बाकी सब लोगों को मारेगा। उन लोगों को बोला जाता है कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुमको हेवन में एक महल मिलेगा और 40 लड़कियां मिलेगी, हाँ 40 विमेन एंड महल और खूब सारा पैसा, और वो लोग मान के एकदम ये सब कर देता है। ये नहीं पूछता कि कुरान में नहीं लिखा है कि एक दूसरे को हार्म करना है, किसी को मारना है, कहीं नहीं लिखा है किसी धर्म में। तो यही सब बोल रहा है कि सवाल उठाना है किसको फायदा हो रहा है, उसके बंदे को अपने बॉम्ब से जला के वो जा रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है, उसका जो लीडर है, उसका बॉस है, बाकी लोग इतना मर रहा है, फायदा किसको हो रहा है ना, और उसको क्या हो रहा है, वो अपना बेवकूफ जीवन खत्म कर रहा है। अब कल को हो सकता है सही में उसको 40 लड़कियां या फिर महल मिले, लेकिन हो सकता है नहीं मिले, प्रूफ तो नहीं है ना कुछ। तो यही चीज है आपको बोल रहा, सवाल उठाइए, ठीक है, कुछ भी चीज बस ऐसे ही नहीं मानना है, उस पर सोच के सवाल उठा के, ठीक है, बेसिकली कोई आप समझ गया ना ये जो बात, और ये हर रिलीजन फायदा उठाते हैं इस चीज का, क्या ठीक, क्या बोलता है कि हाँ इस जीवन में आप दुखी रहो, इस जीवन में आप गरीब रहो और खूब काम करो,
पढ़ने के बाद एकदम आप लोग एकदम अमीर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या पता किसको कि सही में अमीर होगा नहीं होगा, है ना, वो तो नहीं पता तुमको, बस यही बात, ठीक है। और इसी से हम लोग को डरा के रखता है, इसी के चलते हम लोग जाते हैं चर्च में 100 रुपए डाल देते हैं, मंदिर में जाके 500 रुपए डाल देता है, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ 500 रुपए डालेगा तो मरने के बाद एवन में खूब 10 करोड़ रुपए मिलेगा, है।